कॉलोनी के करीब ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। आग की वजह से आसमान पर काले धुएं के बादल छा गए। मुतअद्दिद गाड़ियां भी ऑयल टैंकर की आग की जद में आ गई हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड अभी तक आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। इसी पर बात करेंगे उस्मान जावेद से। उस्मान, बताइएगा आग लगी कैसे और अब तक कितना नुकसान हो चुका है? जी, तकरीबन अब से 40 मिनट पहले यहाँ पर गुलरेज हाईकोर्ट रोड पर वाकई गुलरेज में आग टैंकर में आग भड़क उठी और आग ऐसे लगी कि टैंकर चढ़ाई चढ़ रहा था, चढ़ाई चढ़ने में नाकाम हुआ और टैंकर एक तरफ गिरा और वहां पर वाकया जो रेस्टोरेंट था उसमें भी आग भड़क उठी और साथ वाकया एक निजी बैंक की इमारत को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया और 40 मिनट गुजरने के बावजूद अभी तक आग पर काबू पाया नहीं गया। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है निशाइदीन की जानिब से कि होटल उस होटल में तकरीबन 50 के करीब लोग अंदर मौजूद थे जो खाना वगैरह खा रहे थे और साथ बैंक जो बैंक की इमारत है वहां पर भी कुछ गार्ड वगैरह मौजूद थे और अंदर बैंक का अमला भी मौजूद था। वो ताहाल बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं और उनके बारे में अभी तक रेस्क्यू की जानिब से, पुलिस की जानिब से ये कंफर्म नहीं किया जा रहा कि उनको बाहर निकाल लिया गया या नहीं, लेकिन अब तक आग पर काबू पाया नहीं गया और आग के शोले जो हैं वो दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं और आसमान से बातें कर रहे हैं शोले। इस कदर यहाँ पर आग जो है वो ज्यादा लगी हुई है और तकरीबन 8 से 10 लोग जो है वो एनएचआईडीन के मुताबिक इस वक्त अंदर मुख्तलिफ इमारतों में, दो इमारतों में फंसे हुए हैं जिसमें एक होटल है और दूसरा जो है वो बैंक की इमारत है, वहां पर भी लोग मौजूद थे। और इसके साथ साथ आग ने मुतअद्दिद गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है और साथ ट्रांसफार्मर जो साथ लगा हुआ था वहां वो मुकम्मल तौर पर। ठीक है, शुक्रिया उस्मान जावेद।